आगे फिर से। तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम की एक और मिथ बस्टर वीडियो लेके आ चुके हैं। मिथ नंबर वन, अगर आप आरजीएस टूल में हाउस कलर ग्रीन लिखोगे फिर देखना हाउस का और कार शोरूम का कलर ग्रीन हो जाएगा, जाके देखना। ओके जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आरजीएस टूल में जल्दी से टाइप करते हाउस कलर ग्रीन, उसके बाद देखेंगे अपने हाउस का और कार शोरूम का कलर कैसे ग्रीन होता है, क्योंकि हमने तो टाइप किया हाउस कलर ग्रीन लेकिन कार शोरूम का कलर कैसे चेंज होगा। तो ये देखो अपने हाउस का कलर तो ग्रीन हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कार शोरूम का कलर भी ग्रीन हो गया होगा, क्योंकि कार शोरूम का कलर तो चेंज होता ही नहीं है। अब भाई ने मिथ दिया है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है कि अपना कार शोरूम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, मेरे कहने का मतलब है मॉडिफाई हो चुका है, तो उसको भी चेक करेंगे। तो चलो जल्दी से कार शोरूम पे चलते हैं। तो वो देखो सामने की साइड मुझे कार शोरूम दिख रहा है, लेकिन इसका कलर तो सचमुच में ग्रीन हो चुका है। लिटरली मैं गाइज अपने कार शोरूम का कलर भी ग्रीन हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भैंस की आप, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अपने कार शोरूम का कलर ग्रीन हो गया। और दूसरी बात, अपना कार शोरूम पूरी तरीके से मॉडिफाई हो चुका है। ये देखो सेंटर में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा कार शोरूम और चारों तरफ पेड़ भी लगा दिए। वाकई में अपने कार शोरूम का पूरा डिजाइन बदल दिया, लुक ही चेंज कर दिया कार शोरूम का। कार शोरूम का ये वाला लुक मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, पुराने वाला पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आता था, मगर ये वाला तो काफी ज्यादा कूल है। और ये देखो अंदर से भी कार शोरूम को काफी हद तक चेंज किया, अंदर का लुक भी काफी प्यारा लग रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और बार आरजीएस टूल में हाउस कलर येलो टाइप करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो ये मैंने किया टाइप, फिर दबाया एंटर, और ये देखो गाइस अपने कार शोरूम का कलर येलो हो गया। तो अब मैं जल्दी से हाउस कलर आरजीबी टाइप करता हूँ, क्या पता अपना शोरूम आरजीबी कलर का हो जाए। तो चलो जल्दी से टाइप करते, और ये देखो गाइस जैसे ही मैंने टाइप करके एंटर दबाया अपने शोरूम का कलर नहीं बदला। तो इसका मतलब अपना शोरूम कुछ ही कलर में बदलता है, दो कलर तो मैंने आपको बता दिए ग्रीन और येलो, बाकी कलर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करो। तो इसका मतलब अपडेट के बाद जब भी हम लोग अपने घर का कलर बदलेंगे तब हमारे शोरूम का कलर भी बदल जाएगा, यानी गाइस ये वाला मिथ हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर टू, न्यू अपडेट के बाद जब पुलिस आपको मारने आती है तो पुलिस के सायरन से आवाज नहीं आती है, लेकिन जब आप पुलिस कार को स्पॉन करते हैं तो सायरन से आवाज आती है। प्लीज टेक माय मिथ। वैसे अपने गेम में जो पुलिस कार है वो सेम है, चाहे अपन लोग उसे स्पॉन करें चाहे पुलिस वाले लेके आए, दोनों में सायरन की आवाज आती है। मगर मिथ के अकॉर्डिंग अपडेट के बाद पुलिस वाले जो पुलिस कार लेके आते हैं उसमें सायरन की आवाज नहीं आती। लेकिन गाइज ये देखो जो मैंने कार स्पॉन की इसमें तो सायरन की आवाज आ रही है। चलो पुलिस वालों को बुलाने से पहले मैं अपनी पुलिस कार को ब्लास्ट कर देता हूँ, तभी तो मुझे पता चलेगा पुलिस कार से आवाज आती है कि नहीं आती है। तो जल्दी से एनपीसी को पट से हेडशॉट मार के टपकाते हैं ताकि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आ जाएं। तो वो देखो सामने से एक पुलिस कार आ तो रही है, चल आजा आजा जल्दी आजा। और ये देखो गाइस ये पुलिस वाला पागल है क्या, कितनी रफ ड्राइविंग कर रहा था बेचारे, एनपीसी को ही ठोक दिया। अब देखते हैं कितनी देर लगाता है, वैसे और कोई पुलिस कार भी नहीं आ रही। ओए तू ही आजा जल्दी से, ओए पुलिस वाले जल्दी आजा। तो ये देखो गाइस फाइनली पुलिस वाला अपने पास आ चुका है, लेकिन लिटरली मैं गाइस पुलिस कार से मुझे सायरन की आवाज नहीं आ रही है। अबे ओए टकले, तू ही है ना जिसने शहर में गोली चलाई है, चल सरेंडर कर दे क्योंकि पुलिस आ चुकी है। पुलिस सरेंडर तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपकी पुलिस कार से सायरन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुझे उससे क्या करना है, अपने काम से काम रख, चल जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ। अबे हट, गाड़ी के अंदर मैं बाद में बैठूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से पुलिस कार को स्पॉन करता हूँ। और ये देखो गाइस जो गाड़ी मैंने स्पॉन की उसमें से सायरन की आवाज आ रही है और साथ में ऊपर लाइट भी जल रही है, मगर ये जो पुलिस वाले गाड़ी लेके आए इसमें ना ही मुझे सायरन सुनाई दे रहा है ना ही इसमें ऊपर की तरफ लाइट जल रही है। अरे पुलिस ऑफिसर, तुम्हारी गाड़ी का सायरन क्यों नहीं सुनाई दे रहा है और ऊपर की लाइट क्यों नहीं जल रही है? तुझे क्या करना है, अपने काम से काम रख, सरेंडर कर। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे, मैं तो बस पूछ ही रहा था। लेकिन गाइस पुलिस वालों की गाड़ी में सचमुच में सायरन नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है ये वाला मिथ भी हो चुका है कंफर्म। मिथ नंबर थ्री, जेसीबी को आरजीबी कर सकते हैं? चलो देखते हैं, वैसे मैंने भी चेक नहीं किया। जल्दी से 6677 का चीट कोड डाल के जेसीबी को स्पॉन करते। वैसे मुझे जेसीबी येलो कलर में ही पसंद है, मगर आप लोगों ने मुझे मिथ दिया है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। तो अब बारी है जेसीबी का कलर चेंज करने की, लेकिन वेट गाइस कलर चेंज करने का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। आरजीबी कलर तो मैं बाद में करूंगा, यहाँ तो कलर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जल्दी से मैं पूरी गाड़ी का चक्कर लगा के देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो कलर चेंज करने का ऑप्शन जरूर आएगा। आजा 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 ऑप्शन आजा यार, कहीं पर भी नहीं आ रहा। ये देखो गाइस मैंने पूरी गाड़ी का चक्कर लगा लिया, लेकिन कलर चेंज करने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग जेसीबी को आरजीबी कलर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये वाला मिथ हो चुका है बस्ट।
मिथ नंबर 4, अपडेट के बाद अपने न्यू हाउस में तो लाइट आ गई लेकिन ओल्ड हाउस में नहीं आई है, प्लीज टेक माय मिथ। वैसे ये बात तो सच है कि अपडेट के बाद अपने न्यू हाउस में लाइट आ चुकी है और अपना जो न्यू हाउस है वो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा औसम लग रहा है, क्योंकि शायद आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, चलो मैं आपको बताता हूँ वो चीज क्या है। तो ये देखो गाइस, अपडेट के बाद जो अपने घर की ग्राफिक्स है उनको थोड़ा सा इनहांस कर दिया, यानी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है, तभी तो अपने न्यू हाउस में जितनी भी चीजें रखी है वो रियलिस्टिक सी लग रही है, क्योंकि ग्राफिक्स को इनहांस कर दिया है और साथ में अपने न्यू हाउस में लाइट भी लगा दी है। तो चलो जल्दी से ओल्ड हाउस को और देख लेते हैं कि वहां पर लाइट लगी है कि नहीं लगी है। तो ये देखो गाइस, जैसे ही मैं अपने ओल्ड हाउस में आया मुझे पता चला कि अपडेट के बाद भी हमारे ओल्ड हाउस में लाइट नहीं लगी, सिर्फ हमारे न्यू हाउस में लाइट को इंस्टॉल किया, ओल्ड हाउस को छोड़ दिया क्योंकि वो पुराना हो चुका है, तो इसलिए ये वाला मिथ भी हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 5, जेसीबी को फोड़ने से उसके कुछ पार्ट जलते नहीं है, प्लीज टेक माय मिथ। चलो बहुत सोलियो रोड पर जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ वरना कोई गाड़ी वाला आके मेरे पे गाड़ी चढ़ा जाएगा। काफी नींद आ रही थी लेकिन मिथ मिला है तो मिथ को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मिथ में बोला है जेसीबी को फोड़ना है, तो जल्दी से जेसीबी को स्पॉन करते हैं 6677 के चीट कोड से। तो अब जेसीबी तू बच नहीं पाएगी, तो ये मैंने चलाई पहली आरपीजी और पहली आरपीजी में ही हमारी जेसीबी ब्लास्ट हो गई। लेकिन मिथ के अकॉर्डिंग जेसीबी के पार्ट ब्लास्ट नहीं होंगे और वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जेसीबी के कुछ पार्ट सच में ब्लास्ट नहीं हुए, वो अभी भी येलो कलर के हैं और साथ में जेसीबी के सामने वाला सूपा भी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जेसीबी को ब्लास्ट करने के बाद भी उसके कुछ पार्ट ब्लास्ट नहीं होते, यानी ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से मुझे लेटेस्ट में कमेंट करो, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।